हेलो फ्रेंड्स, आज हम लौकी के थेपले बनाने जा रहे हैं। लौकी के थेपले बनाने के लिए हमें आधा किलो लौकी ले ली है, ये हमने छील ली, अभी से किस लेंगे। और आप लौकी के थेपले पूरे अंत तक देखिएगा और इसको लाइक से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अब हम इसे किसनी से, छोटी वाली किसनी से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, हम इसे छोटी वाली किसनी से, इसकी हम चारों साइड से लौकी के किस लेंगे। हमें बीच का नहीं लेना है, जो नरमपन होता है उसे हमें यूज़ नहीं करना है। सिर्फ लौकी के चारों तरफ से हम इसे किस लेंगे, अच्छी तरह से पूरी लौकी। हम ये देखिए, हमने लौकी को किस लिया है, ये हमारी लौकी किस गई है। हमारा ये साइड साइड का रहा, ये हमने निकाल दिया, ये हमारा रह गया। अब हम इस लौकी को आटे में मिक्स करेंगे। ये हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है गेहूं का। अब इसमें हम लौकी जो किसे रहे वो डालेंगे। ये हमने लौकी डाल ली है, अब इसमें हम आधी कटोरी दही डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधी चम्मच, मिर्च आधी चम्मच, जीरा आधी चम्मच और धनिया पाउडर आधी चम्मच। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे सब। ये हम अच्छी तरह से लौकी आटे को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम आटा सान लेंगे, जैसे हम पराठे का आटा सानते हैं उस तरह से हम ये आटा सान लेंगे। ये हमने आटा सान लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छी तरह से और सान कर इसे 5 मिनट रख देंगे। ये हमने तेल लगा लिया है, अब इसे हम 5 मिनट ढककर रख देंगे। ये हमारा आटा रेडी हो गया है, हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसकी लोई बना लेंगे, इतनी ऐसे सारी लोई बनाकर अब हम इसे बेलेंगे। हाँ, अपनी लोइयों में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे जिससे ये चिपके ना। ये अब हम बेल रहे हैं इसे, हम थोड़ा सा आटा लगाते जाएंगे जिससे चिपके ना। तो थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। अब हमने अपना तवा रख दिया है गरम होने, गरम हो जाएगा तो फिर से हम पका लेंगे। ये हमारा तवा है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अब अपने थेपले को इसमें डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे जब तक हम अपने दूसरा थेपला बेल लेते हैं। ये देखिए, उसी तरह हम लोई में थोड़ा सा आटा लगाकर बेल ले रहे हैं इससे। ये देखिए, हमारा बेल गया है, ये हमारा नीचे लट से पक गया है, इसे हम पलटा लेंगे। अब और थोड़ा सा इसमें तेल लगा लेंगे, ये हमने तेल लगा लिया है। अब नीचे साइड से पक जाएगा फिर से, तो फिर हम इसे पलटा लेंगे। ये देखिए, अब हम फिर से इस साइड भी तेल थोड़ा लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से अब पका लेंगे हम पलटा पलटा के। देखिए कितना अच्छा आ रहा हमारा थेपला, कितना सुंदर दिख रहा है। हम इसे थोड़ा सा और पका के निकाल लेंगे फिर। ये देखिए, हमारा थेपला रेडी हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरा डालेंगे, ये हमने दूसरा थेपला डाल दिया है, अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए, हमारा ये हो गया है थेपला, कितनी अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक गया है। इसी तरह हम बाकी थेपला भी बना लेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे लौकी के टेस्टी थेपले तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे आप सूखा भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं और इसे आप रख भी सकते हैं 1-2 दिन।
और इसे आप सुबह शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।